हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गाइस कैसे आप सब, होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस फिर से स्वागत है आपका दुगल फैमिली ब्लॉग में। गाइस बज चुके हैं सुबह के 7:30 हो चुके हैं और मैं देखो सुबह सब करते हैं पहले नाश्ते की तैयारी फिर लंच की, लेकिन मैं पहले लंच की तैयारी करूँगी फिर बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि दोपहर को गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, रसोई में खड़ा होना हो जाता है मुश्किल। तो आज मैं बनाऊँगी कच्चे आम की सब्ज़ी, सफ़ेद छोले और चावल। मैंने धो के रख दिए हैं वो, अभी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए ये कच्चे आम, ये मेरे छोटे वाले भाई ने तोड़ के भेजे हैं, उनके घर के पास ना, घर के सामने काफ़ी सारे आम के पेड़ हैं। ये देखो लड्डू गया हुआ था ना रुकने के लिए, इसके हाथ भेजे उन्होंने। कुछ की सब्जी बनाएंगे, कुछ की बनाएंगे चटनी खट्टी मीठी। और ये वाइट छोले रात को भिगो दिए थे मैंने, ये उबालने के लिए रख देंगे, तब तक मैं इनको काट लूँगी। और इधर मेरी चाय बन चुकी है, पीऊँगी चाय फिर करते हैं कुछ और काम। और फ्रेंड्स अभी ऊपर पेड़ पौधों को भी पानी दे के आना मुझे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उनको दो टाइम पानी देना पड़ता है, सुबह और शाम को, नहीं तो बेचारे बेहोश हो जाते गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना इसलिए। और कल तो हमारा जो बाहर वाले रूम का एसी है वो भी इतनी गर्म हवा दे रहा था बहुत ज़्यादा, फिर उसके फिल्टर वगैरह धोए इन्होंने, थोड़े पानी वानी मारा बाहर, तब जाके उसने थोड़ा ठंडा किया। और कल तो गर्मी भैया हद कर रही थी बिल्कुल। और गाइस जैसे आपको पता है जेठ का महीना है तो जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारे भंडारे हो रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से हम जा नहीं पाते, ला नहीं पाते, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, निकलते ही नहीं है घर से बाहर। इसलिए तो गाइस आप भी मत निकला करो, ज़रूरी काम हो तो निकला करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलो गाइस चाय पीते हैं और करते हैं कैरियों की कटिंग, तब तक मैं छोले उबालने रख देती हूँ। तो ये मैंने रख दिए छोले उबालने के लिए धो के, और अब डाल दूँगी इसमें मैं छोटे 2 चम्मच नमक, और बस इसी में मैं सीटी लगवा दूँगी, अब सोडा वगैरह कुछ नहीं डालूँगी मैं, बहुत से लोग सोडा डालते हैं मैं नहीं डालूँगी, एक्स्ट्रा 2 सीटी लगा दूँगी, जल्दी गल जाएंगे ये। तो गाइस ये ले आई हूँ, देखो मैं कच्ची कैरी है, इनके बनाऊंगी सब्जी, देखो साइज कितना छोटा छोटा सा, और बीच बीच में से ना देखो ये कट भी गई है, तोड़ी होंगी तब गिरी होंगी ना नीचे। चलो इस पार्ट को तो निकाल देंगे हम, इतनी की बनाऊंगे, थोड़ी सी मैंने रख दी है। चलो काटते हैं इनको फिर बनाते हैं सब्जी खट्टी मीठी। तो गाइस ये इतनी आम भी मैंने काट ली हैं, और इधर रख दिया है पानी उबलने के लिए, अब इनको हम पानी में डाल देंगे, इससे इनकी खटास कम हो जाएगी थोड़ी, 10-10 मिनट उबालूंगी इन्हें। इधर छोले रखे हुए हैं सीटी लगने के लिए, आम भी धोई हुई, इनको रख देते हैं फ्रिज में। फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इतनी मेहनत करते हैं गर्मी में आप सब लोगों के लिए, प्लीज़ 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 चैनल को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। तो ये देखो गाइस छोले उबल चुके हैं बिना सोडे के, खाने वाला सोडा डालते हैं ना वो नहीं डाला। और इधर ये कच्ची आम भी उबल चुकी है, बस अभी थोड़ी देर में इसकी गैस बंद कर देंगे, तब तक छोक लेते हैं अपने ये वाइट छोले। इधर मैंने प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था, इसी में मैं टमाटर को भी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स सरसों का तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दिया तेज पत्ता, और अभी कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें 3 से 4 छोटी लाल मिर्च है सूखी, ये जीरा है, 3 से 4 लौंग है, और 6-7 इसमें काली इलायची है, देखो इलायची दाना थोड़ा सा, ये ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी बस यही है। ये देखो अभी अच्छे से हो जाएगा, फिर इसमें मैं डाल दूंगी ये प्याज। ये देखिए गाइस प्याज भून चुकी है, और अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट,
पूरी बनाऊंगी अच्छे से। साड़ी लगता ना फिर बहुत अच्छी आ रही है, कपड़ा तो सिलाई थी मैं। अरे हमारी हाँ भी मैंने निकाल लिया, इसका पानी जो उबला हुआ था इधर रख दिया मैंने फ्राई पैन। अब इसमें डाल देंगे तेल सरसों का, बस तेल गर्म हो जाएगा फिर इसमें डाल देंगे जीरा। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे जीरा। और ये इधर अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से पक चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे ये चॉप किए हुए टमाटर। और इधर मैंने छोलों में डालने के लिए एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हरा धनिया और थोड़ी सी हल्दी को मैं भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर पानी डाल के। तब हम इसमें डाल देते हैं नमक, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि छोलों में भी है नमक तो चावल में भी डलेगा। टमाटर पानी तेल छोड़ देंगे फिर इसमें हम डाल देंगे जो मसालों का घोल बनाया है। इधर जीरा भी तड़क चुका है, अब इसमें भी मैं हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा नमक डालती हूँ। ये गया नमक, ये गई लाल मिर्च और अब डाल देते हैं हल्दी, धनिया पाउडर भी डलेगा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। इनको मिलाएंगे अच्छे से, थोड़ा पानी और डाल के मसाले पक जाएंगे, हल्दी भी महक आएगी नहीं तो कच्ची। इनको पका लेते हैं, मसालों का कच्चापन निकल जाएगा सब। इधर ये हमारे टमाटरों ने तेल छोड़ दिया है, ये देखिए। अब हम इसमें ये जो पानी में मसाले घोल के रखे थे वो डाल देंगे। तो पैन से आंबी का मसाला भुन चुका, अभी हम डाल देंगे पानी। ये देखो पानी में एक उबाल आ जाएगा, फिर इसमें हम डाल देंगे चीनी। मैं चीनी की बनाऊंगी, गुड़ नहीं है मेरे पास, गुड़ की मुझे अच्छी भी नहीं लगती, चीनी की अच्छी लगती, चीनी डालूंगी, एक उबाल आ जाएगा इसमें। और ये इधर छोलों का मसाला बन के तैयार हो चुका है, ये देखो। बस अभी ये हम डाल देंगे उबले छोले। जो छोलों का पानी है इसमें ही बन जाएंगे, बस अब इनको ढक देते हैं। और इधर ये आंबी का पानी अभी उबलानी है। और गाइस हालत देख लो खाना बनाने में, सुबह का टाइम है आज, सुबह बना रही हूँ मैं दोपहर का ही लंच, और फिर भी गर्मी देख लो पसीनों से क्या हालत हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। और कल बता रहे थे बारिश होगी, कोई नामो निशान नहीं है बारिश का भाई, फटाफट करो अपना सुबह सुबह बना के रख दो सब कुछ। मैं तो शाम का खाना भी जल्दी बना देती हूँ, 5 बजे तो मैं बना के रख देती हूँ खाना, गर्मी की वजह से भाई बहुत गर्मी है। ये देखो पसीने कितने हो गए थोड़ी देर में। चलो खैर बनाना तो है, ये आम भी मैं उबाल आ चुका है, अब इसमें डाल देती हूँ मैं चीनी। ये देखो गाइस
आ चुका उबाल। अब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी, ये 2 बड़े चम्मच चीनी है। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालो, खट्टी मिट्टी अच्छी लगती है वैसे तो। बस अब इसमें भी एक उबाल और आ जाएगा, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, इसमें फिर नान भी डाल दूंगी। गाइस ये उबाल आ चुका है पानी में, यानी कि चीनी मेल्ट हो चुकी है। गैस को कर देंगे थोड़ा कम और अब इसमें हम डाल देंगे अपनी उबली हुई कच्ची आंधी। बस अब 10 मिनट इनको पका लेंगे जिससे कि चीनी की मिठास इनमें अच्छे से घुल जाए, मिल जाए। ये देखो मैं तो बस ऐसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ भाई, मैं ज़्यादा मिर्च मसाले या झंझट नहीं करती। कौन किस तरीके से बनाता है कमेंट ज़रूर करना, करना तो है नहीं वैसे, आपको बोलना पड़ता है, कर देना ठीक है। अब तब तक छोले और आम भी बनती है, मैं थोड़ा एसी में बैठ जाती हूँ, गर्मी से हो चुकी मेरी हालत ख़राब भाई राम, बहुत गर्मी है। देखो पसीनों से मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। नाए बेनाए हो जाते क्या करे। और बच्चों की कल मैसेज आया था और छुट्टियां बढ़ गई है, अब ऑनलाइन क्लास चलेगी उनकी 30 तारीख तक। गर्मी की वजह से ना छुट्टियां पड़ गई हूँ, और वो सही करा स्कूल वालों ने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे बच्चों की हेल्थ पे असर पड़ेगा। और पता है स्कूलों में तो आपको पंखे और पानी की कितनी प्रॉब्लम रहती है गर्मियों में, इसलिए। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक मेरा खाना बन के तैयार हो जाएगा। चावल तो मैं बाद में ही बना लूँगी, सब्जी बन गई बस ये टेंशन ख़त्म। पसीने शरीर में से ऐसे निकल रहे हैं जैसे कीड़ियाँ चलती है ना शरीर में, ऐसे टपक रहा है सारा पसीना। चलो अपना और अपनों का ध्यान रखो गर्मी में, खासकर बच्चों का बुजुर्गों का। तो फ्रेंड्स इधर ये छोलों की सब्जी बनके हो चुकी है तैयार, इसमें मैंने डाल दी सूखी मेथी और गरम मसाला, बस बन गई। अब इसको ढक देंगे, रखी रखी हुई थोड़ी ठीक हो जाएगी, गैस कर देते हैं बंद। इधर ये कच्चे आम की सब्जी बन चुकी है देखो, इसकी भी गैस कर देंगे बंद और इसको ढक के रख देंगे। दोनों सब्जियां बनके रेडी, दोपहर का लंच टेस्टी टेस्टी। गाइज मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की मेरी खाना बनाने की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस मिलते हो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे आप सब, होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस फिर से स्वागत है आपका दुगल फैमिली ब्लॉग में। गाइस बज चुके हैं सुबह के 7:30 हो चुके हैं, और मैं देखो सुबह सब करते हैं पहले नाश्ते की तैयारी फिर लंच की, लेकिन मैं पहले लंच की तैयारी करूँगी फिर बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि दोपहर को गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, रसोई में खड़ा होना हो जाता है मुश्किल। तो आज मैं बनाऊंगी कच्चे आम की सब्ज़ी, सफ़ेद छोले और चावल। मैंने धो के रख दिए हैं वो, अभी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए ये कच्चे आम, ये मेरे छोटे वाले भाई ने तोड़ के भेजे हैं, उनके घर के पास ना घर के सामने काफ़ी सारे आम के पेड़ हैं। ये देखो लड्डू गया हुआ था ना रुकने के लिए, उसके बाद भेजे उन्होंने। कुछ की सब्ज़ी बनाएंगे, कुछ की बनाएंगे चटनी खट्टी मीठी। और ये वाइट छोले रात को भिगो दिए थे मैंने, ये उबालने के लिए रख देंगे, तब तक मैं इनको काट लूँगी। और इधर मेरी चाय बन चुकी है, पीऊँगी चाय फिर करते हैं कुछ और काम। और फ्रेंड्स अभी ऊपर पेड़ पौधों को भी पानी दे के आना मुझे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उनको 2 टाइम पानी देना पड़ता है सुबह और शाम को, नहीं तो बेचारे बेहोश हो जाते गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना इसलिए। और कल तो हमारा जो बाहर वाले रूम का एसी है वो भी इतनी गर्म हवा दे रहा था बहुत ज़्यादा, फिर उसके फिल्टर वगैरह धोए इन्होंने, थोड़े पानी वानी मारा बाहर, तब जाके उसने थोड़ा ठंडा किया। और कल तो गर्मी भैया हद कर रही थी बिल्कुल। और गाइस जैसे आपको पता है जेठ का महीना है तो जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर भी काफ़ी सारे भंडारे हो रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से हम जा नहीं पाते, ला नहीं पाते, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना,
निकलते ही नहीं है घर से बाहर, इसलिए तो गाइस आप भी मत निकला करो, जरूरी काम हो तो निकला करो, वरना कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलो गाइस चाय पीते हैं और करते हैं कैरियो की कटिंग, तब तक मैं छोले उबालने रख देती हूँ। तो ये मैंने रख दिए छोले उबालने के लिए धो के, और अब डाल दूंगी इसमें मैं छोटे 2 चम्मच नमक, और बस इसी में मैं सीटी लगवा दूंगी। अब सोडा वगैरह कुछ नहीं डालूंगी मैं, बहुत से लोग सोडा डालते हैं, मैं नहीं डालूंगी, एक्स्ट्रा 2 सीटी लगा दूंगी, जल्दी गल जाएंगे ये। तो गाइस ये ले आई हूँ, देखो मैं कच्ची कह रही है इनकी बनाऊंगी सब्जी, देखो साइज कितना छोटा छोटा सा, और बीच बीच में से ना देखो ये कट भी गई है, तोड़ी होंगी तब गिरी होंगी ना नीचे। चलो इस पार्ट को तो निकाल देंगे हम, इतनी की बनाऊंगे, थोड़ी सी मैंने रख दी है। चलो काटते हैं इनको, फिर बनाते हैं सब्जी खट्टी मीठी। तो गाइस ये इतनी आलूयां मैंने काट ली हैं, और इधर रख दिया है पानी उबलने के लिए, अब इनको हम पानी में डाल देंगे, इससे इनकी खटास कम हो जाएगी थोड़ी। 10 मिनट उबालूंगी इन्हें। इधर छोले रखे हुए हैं सीटी लगने के लिए, आम भी धोई हुई है, इनको रख देते हैं फ्रिज में। फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इतनी मेहनत करते हैं गर्मी में आप सब लोगों के लिए, प्लीज़ 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 चैनल को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। तो ये देखो गाइस छोले उबल चुके हैं बिना सोडे के, खाने वाला सोडा डालते हैं ना वो नहीं डाला, और इधर ये कच्ची आंडी भी उबल चुकी है, बस अभी थोड़ी देर में इसके लिए गैस बंद कर देंगे, तब तक छोक लेते हैं अपने ये वाइट छोले। इधर मैंने प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था, इसी में मैं टमाटर को भी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स सरसों का तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दिया तेज पत्ता, और अभी कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें 3 से 4 छोटी लाल मिर्च है सूखी, ये जीरा है, 3 से 4 लौंग है, और 6-7 इसमें काली इलायची है, देखो इलायची दाना थोड़ा सा, ये ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, बस यही है। ये देखो अभी अच्छे से हो जाएगा, फिर इसमें मैं डाल दूंगी ये प्याज। ये देखिए गाइस प्याज भून चुकी है, और अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से काढ़ी लहसुन ना फिर बहुत अच्छी आ रही है, चकरा तो चलाई थी मैं। और ये हमारी आम भी मैंने निकाल लिया, इसका पानी जो उबला हुआ था इधर रख दिया मैंने फ्राई पैन, अब इसमें डाल देंगे तेल सरसों का, बस तेल गर्म हो जाएगा फिर इसमें डाल देंगे जीरा। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे जीरा। और ये इधर अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से पक चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे ये चॉप किए हुए टमाटर। और इधर मैंने छोलों में डालने के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हरा धनिया, और थोड़ी सी हल्दी को मैं भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर पानी डाल के। तब हम इसमें डाल देते हैं नमक, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि छोलों में भी है नमक, फिर चावलों में भी डलेगा। टमाटर पानी तेल छोड़ देंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे जो मसालों का घोल बनाया है,
इधर जीरा भी तड़क चुका है। अब इसमें भी मैं हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा नमक डालती हूँ। ये गया नमक। ये गई लाल मिर्च और अब डाल देते हैं हल्दी। धनिया पाउडर भी डलेगा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छे से थोड़ा पानी और डाल के मसाले पक जाएंगे, हल्दी भी महक आएगी नहीं तो कच्ची। इनको पका लेते हैं। मसालों का कच्चा पन निकल जाएंगे सब। इधर ये हमारे टमाटरों ने तेल छोड़ दिया है, देखिए। अब हम इसमें ये जो पानी में मसाले भेज के रखे थे वो डाल देंगे। तो पैन के आंबी का मसाला भुन चुका है, इसमें हम डाल देंगे पानी। ये देखो पानी में एक उबाल आ जाएगा, फिर इसमें हम डाल देंगे चीनी। मैं चीनी की बनाऊंगी, गुड़ नहीं है मेरे पास, गुड़ की मुझे अच्छी भी नहीं लगती, चीनी की अच्छी लगती है। चीनी डालूंगी, उबाल आ जाएगा इसमें। और ये इधर छोलों का मसाला बन के तैयार हो चुका है। ये देखो बस अभी ये हम डाल देंगे छोले। छोले जो छोलों का पानी है इसमें ही बन जाएंगे। अब इनको ढक देते हैं। अब इधर ये आंबी का पानी अभी उबलानी है। और गाइस हालत देख लो खाना बनाने में, सुबह का टाइम आज, सुबह बना रही हूँ मैं दोपहर का लंच, और फिर भी गर्मी देख लो पसीनों से क्या हालत हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। और कल बता रहे थे बारिश होगी, कोई नामो निशान नहीं है बारिश का भाई। फटाफट करो अपना, सुबह सुबह बना के रख दो सब कुछ। मैं तो शाम का खाना भी जल्दी बना देती हूँ, 5 बजे तो मैं बना के रख देती हूँ खाना, गर्मी की वजह से भाई, बहुत गर्मी है। ये देखो पसीने कितने आ गए, फट गए भाई। चलो खैर बनाना तो है, ये आम भी मैं उबाल आ चुका है, अब इसमें डाल देती हूँ मैं चीनी। ये देखो गाइस आ चुका उबाल, अब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी। ये 2 बड़े चम्मच चीनी है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालो, खट्टी मिट्टी अच्छी लगती है वैसे तो। बस अब इसमें भी एक उबाल और आ जाएगा, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी सर, फिर मैं आम भी डाल दूंगी। गाइस ये उबाल आ चुका है पानी में, यानी कि चीनी मेल्ट हो चुकी है। गैस को कर देंगे थोड़ा कम और अब इसमें हम डाल देंगे अपनी उबली हुई कच्ची आंबी। बस अब 10 मिनट इनको पका लेंगे, जिससे कि चीनी की मिठास इनमें अच्छे से घुल जाए, मिल जाए। ये देखो मैं तो बस ऐसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ भाई, मैं ज़्यादा मिर्च मसाले या झंझट नहीं करती। कौन किस तरीके से बनाता है कमेंट जरूर करना, करना तो है नहीं वैसे, आपको बोलना पड़ता कर देना, ठीक है। अब तब तक छोले और आम भी बनती है, मैं थोड़ा एसी में बैठ जाती हूँ, गर्मी से उठ के मेरी हालत ख़राब है राम, बहुत गर्मी है। देखो पसीनों से मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। आए बेनाए हो जाते क्या करे। और बच्चों की कल मैसेज आया था और छुट्टियां बढ़ गई है,
अब ऑनलाइन क्लास चलेगी उनकी 30 तारीख तक। गर्मी की वजह से ना छुट्टियाँ पड़ गई हो, और वो सही करा स्कूल वालों ने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे बच्चों की हेल्थ पे असर पड़ेगा। और पता है स्कूलों में तो आपको पंखे और पानी की कितनी प्रॉब्लम रहती है गर्मियों में, इसलिए। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक मेरा खाना बन के तैयार हो जाएगा। चावल तो मैं बाद में ही बना लूँगी, सब्जी बन गई, बस ये टेंशन ख़त्म। पसीने शरीर में से ऐसे निकल रहे हैं जैसे कीड़ियाँ चलती है ना शरीर में, ऐसे टपक रहा है सारा पसीना। चलो अपना और अपनों का ध्यान रखो गर्मी में, खासकर बच्चों का, बुजुर्गों का। तो फ्रेंड्स, इधर ये छोलों की सब्जी बन के हो चुकी है तैयार। इसमें मैंने डाल दी सूखी मेथी और गरम मसाला, बस बन गई। अब इसको ढक देंगे, रखी रखी थोड़ी ठीक हो जाएगी। गैस कर देते हैं बंद। इधर ये कच्चे आम की सब्जी बन चुकी है, देखो इसकी भी गैस कर देंगे बंद, और इसको ढक के रख देंगे। दोनों सब्जियां बन के रेडी, दोपहर का लंच, टेस्टी टेस्टी। गाइज, मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की मेरी खाना बनाने की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज, मिलते हो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।